दोस्तों, आजकल सभी लोग आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सब लोग आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट है। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो रिस्पेक्ट आपको इस जॉब में मिलेगी, वो दुनिया के किसी दूसरे जॉब में नहीं मिलेगी। एंड अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। सबसे पहली फैसिलिटी है दोस्तों, एक आईएएस ऑफिसर का घर। आप देख सकते हैं कि घर ऐसा है कि आपको धरती पे ही स्वर्ग का एहसास दिला दे। आईएएस ऑफिसर जिस भी एरिया में पोस्टेड रहता है, उस एरिया के वीवीआईपी इलाके में उसको घर प्रोवाइड किया जाता है। एंड घर के साथ साथ उसको नौकर चाकर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, खाना बनाने के लिए अलग से एक नौकर दिया जाता है, गार्डन का ध्यान रखने के लिए अलग से एक माली प्रोवाइड किया जाता है, घर के बाहर सिक्योरिटी रहती है। इसके अलावा इनका जो बिजली का बिल होता है, इनका जो टेलीफोन का बिल होता है, उसमें भी इनको काफ़ी सब्सिडी दी जाती है। या तो बिल्कुल फ्री होता है, या फिर उनसे बहुत ही कम पैसे लिए जाते हैं। एंड आप देख सकते हैं एक आईएएस ऑफिसर के बंगलों के आसपास कितनी हरियाली रहती है, कितनी साफ़ सफाई रहती है, जो कि आपको प्राइवेट जॉब के थ्रू कभी भी नहीं मिल सकती। एक आईएएस ऑफिसर को गवर्नमेंट के द्वारा व्हीकल भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसके साथ उनको ड्राइवर भी दिया जाता है। एंड ये गाड़ी हम लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है, जिसके ऊपर बोर्ड लगा होता है कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि इस गाड़ी को हमारी सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है। आपने देखा भी होगा, अलग सा एक जोश आ जाता है कलेक्टर की गाड़ी को देख के। इसके अलावा अगर आपको ऑफिशियल ट्रिप पे कहीं जाना है, तो आपके प्लेन का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, ट्रेन का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। एंड अगर आपको पर्सनल ट्रिप पे कहीं दूसरे स्टेट में घूमने जाना है, तो आपको दूसरे स्टेट में भी गेस्ट हाउस प्रोवाइड किया जाता है बहुत ही कम रेट में। मतलब वहाँ भी आपको एक तरह से सब्सिडी दी जाती है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। आपको पता है जब आईएएस ऑफिसर विजिट करता है, तो एक वीआईपी विजिट कहलाती है। एक आईएएस ऑफिसर की सुरक्षा का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। आईएएस ऑफिसर के साथ एक से दो सिक्योरिटी वाले हमेशा रहते हैं। एंड अगर आईएएस ऑफिसर को लगता है कि उनकी जान को कोई खतरा है, तो वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ा भी सकते हैं। एक आईएएस ऑफिसर को कुछ अनऑफिशियल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जिस भी एरिया में काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर अगर कोई फंक्शन होता है, तो जनरली वहाँ के आईएएस ऑफिसर को ही एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। आपने कई बार खुद से भी देखा होगा कि चीफ गेस्ट के तौर पे आईएएस ऑफिसर को बुलाया हुआ है। एंड इसके अलावा अगर उनके एरिया में कोई क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ के उनको वीआईपी टिकट्स मिल जाते हैं। मतलब जहाँ भी बुलाते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, एज अ चीफ गेस्ट बुलाते हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाते हैं, पूरा सम्मान किया जाता है एक आईएएस ऑफिसर का। एक आईएएस ऑफिसर को फॉरेन स्टडी लीव फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर ऑफिसर चाहे, तो वो 2 सालों के लिए विदेश जाके पढ़ाई कर सकता है, जिसका सारा खर्चा वहाँ रहने का, पढ़ने का, खाने का हमारी गवर्नमेंट देती है। हमारे संविधान का आर्टिकल 311 जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आईएएस ऑफिसर्स को। आईएएस ऑफिसर्स को उनके पद से हटाना इतना आसान नहीं है। प्रॉपर इंक्वायरी कमीशन बैठाया जाता है, तब उनको उनके पद से हटाया जाता है। रिटायरमेंट के बाद भी इन लोगों को काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन लोगों को लाइफ टाइम पेंशन दिया जाता है। एंड रिटायरमेंट के बाद इनको दूसरी जगह अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ हेड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। आपने सुना होगा, कमीशन्स एंड ट्रिब्यूनल्स के चेयरमैन कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर्स ही होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।